बता दें आपको जींद से बाइक सवार ने पुलिस कर्मी को टक्कर मारी है। जी हां, बाइक सवार ने पुलिस कर्मी को टक्कर मारी, चालान से बचने के लिए दरअसल ये टक्कर मारी गई है। बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस कर्मी घायल, सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, गंभीर हालत देखते हुए रोहतक पीजीआई भी रेफर कर दिया गया है। देखिए, पुलिसकर्मी चालान काटने वाला था बाइक सवार का, और उससे बचने के लिए बाइक सवार ने पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर लगी कि घायल हो गया पुलिसकर्मी, माफ कीजिएगा, और साथ ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और हालत बेहद गंभीर देखते हुए पुलिसकर्मी को रोहतक के पीजीआई में रेफर कर दिया गया। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता दें, बाइक सवार ने एक पुलिसकर्मी को टक्कर मारी है, और ये टक्कर चालान से बचने के लिए पुलिसकर्मी को मारी गई। दरअसल पुलिसकर्मी चालान काटने लगा इस बाइक सवार का, और उसके बाद बाइक सवार ने अफरा तफरी में पुलिसकर्मी को जो है टक्कर मार दी, जिसके बाद काफी गंभीर हालत देखते हुए पुलिसकर्मी की उसे पीजीआई में रेफर किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं अस्पताल की तस्वीरें। ये वो पुलिसकर्मी है जिसको एक बाइक सवार ने टक्कर मारी है, हालत इतनी गंभीर कि रोहतक के पीजीआई में रेफर करना पड़ा। पुलिसकर्मी काफी घायल हुआ, सिविल अस्पताल पहले उसको लेकर के गए, और उसके बाद पीजीआई में रेफर किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जींद से, ये मामला सामने आया है जहां पर एक बाइक सवार ने पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी, और चालान से बचने के लिए ये टक्कर मारी गई, जिसके बाद पुलिसकर्मी की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पहले घायल पुलिसकर्मी को सिविल अस्पताल में लेकर के गए, और उसके बाद हालत काफी गंभीर देखते हुए रोहतक के पीजीआई में रेफर किया गया। तो चालान काटना कितना भारी पड़ गया पुलिसकर्मी को, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं।